नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आश्वासन दिया है कि कनेक्टिविटी, वैक्सीन की आपूर्ति और लंबित बुनियादी ढांचे के तत्काल मुद्दों के बारे में उनकी चिंताओं को केंद्र सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उठाया जाएगा। सीजेआई ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को आगे आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन के उद्देश्य से न्यायालयों के पदाधिकारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता घोषित करने के उनके अनुरोध पर भी विचार करेंगे। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर के बीच विवाद छिड़ा हुआ है, मगर इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी चेतावनी दी है और कहा कि नए आईटी नियमों को मान ले और लागू करे, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहे। सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गवा देगी। दरअसल सरकार ने ट्विटर इंडिया को नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया है। सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। इतना ही नहीं, सरकार ने ट्विटर से अनुपालन अधिकारी के अलावा कंपनी के एक कर्मचारी को शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क कर्मी नियुक्त करने को कहा है। अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए ई पास पंजीकरण पर रियलिटी चेक करने के लिए जी न्यूज के एक पत्रकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के एक मामले पर विचार करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य पुलिस को उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 22 वर्षीय महिला से बलात्कार करने के आरोपी टीवी पत्रकार वरुण हीरेमठ को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने बलात्कार मामले की शिकायतकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने प्रस्तुत किया कि बलात्कार के मामले में हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है, जो कानून के उन वैधानिक बदलाव की अवहेलना करते हुए दी गई जिनको सोच समझकर किया गया था। उन्होंने कहा कि अदालत ने सीआरपीसी की धारा 164 के बयान के चुनिंदा हिस्से को पढ़ने के बाद वस्तुतः संदेह का लाभ प्रदान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसकी एजेंसियां अपने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए एक आधार के रूप में वित्तीय बाधाओं या महामारी के प्रभाव का दावा नहीं कर सकती है। कोर्ट ने फैसले में एयर इंडिया द्वारा पायलटों की सेवा को समाप्त करने के फैसले को खारिज करते हुए मजदूरी के साथ पायलटों की बहाली का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसकी एजेंसियां वर्तमान मामले में अपनाए गए तरीके से अपने कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए वित्तीय बाधाओं या महामारी के प्रभाव का दावा नहीं कर सकती है। नागरिकों की सेवा करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 21 के तहत राज्य का एक कर्तव्य है और इस प्रकार नागरिकों की आजीविका के अधिकारों को सुरक्षित करना एक कल्याणकारी राज्य का अनिवार्य कर्तव्य बन जाता है। उपरोक्त निष्कर्षों और परिस्थितियों को देखते हुए ये माना जाता है कि वित्तीय इस्तीफे की स्वीकृति के मुद्दे को तय करने में संकट एक प्रासंगिक विचार नहीं हो सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म को दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। जस्टिस HP संदेश ने कहा कि किसी भी धर्म को मानते हुए धार्मिक प्रमुखों या किसी भी व्यक्ति द्वारा मानने से दूसरे धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। जस्टिस HP संदेश ने उक्त टिप्पणी आरोपी द्वारा धर्म के अपमान का आरोप लगाने वाली एक आपराधिक शिकायत को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा, एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके निवास पर आया और अन्य धर्मों का अपमान करते हुए कहा कि न तो भगवद गीता और न ही कुरान मन की शांति प्रदान करेगा
यीशु मसीह को छोड़कर कोई बचाव में नहीं आएगा। आरोपी ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोपी ने तर्क दिया कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ विशेष आरोप है कि उन्होंने दूसरे धर्म का अपमान किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच ने शनिवार को महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MUHS के 10 जून 2021 से मेडिकल छात्रों की विंटर 2020 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे की पीठ ऑनलाइन परीक्षा या लगभग 40,000 स्नातकों के लिए टीकाकरण की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में ये भी कहा गया है कि 173 केंद्रों में 20 दिनों तक चलने वाली परीक्षा से पहले इन स्नातक छात्रों का टीकाकरण होना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने लॉ के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा कराने के गुजरात यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। गुजरात विश्वविद्यालय में नामांकित कानून के छात्रों दिग्विजय बिष्ट, अमन पांडे, ऋषिक कपाड़िया, प्रियांशी पटेल और दर्शिल पटेल के एक समूह द्वारा मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में एडवोकेट किशन चकवावाला के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने इथेनॉल को 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि भारत क्लाइमेट जस्टिस के नेता के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-2025 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।